फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला आप लोगों को बजाज फाइनेंस और EMI नेटवर्क कार्ड जो होता है। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, भाई फ्लिपकार्ट का अंदर शो क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं दिखाते हम लोग प्रोडक्ट बाय करने के टाइम क्यों शो नहीं कराता है। तो आज के इस वीडियो में मैं पूरा बताऊँगा क्यों, क्या प्रॉब्लम है, क्यों शो नहीं कराता, इसका क्या रीज़न है। और पूरा देखना पड़ेगा, वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए और लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए दोस्तों के साथ, ताकि मैं ऐसा नॉलेजेबल वीडियो में हमेशा लेके आता रहता है, ठीक है। आज मैं बताऊंगा बजाज फाइनेंसर ये मैं नेटवर्क कार्ड फ्लिपकार्ट में क्यों नहीं शो कराता है। तो वीडियो को देखते रहिए लास्ट तक, कट मत करिए, ठीक है। और देखिए मेरा इसमें मैं प्रोडक्ट आप लोगों को दिखा देता हूँ कैसा मेरा इसमें शो कराता है। और देखिए मैं जैसे कि सेल्स में करता हूँ, जो कोई भी प्रोडक्ट का नीचे क्लिक कर देता हूँ मैं, जैसे कि मैं मोबाइल किधर नीचे होगा, मोबाइल नीचे, देखिए मोबाइल में मैं बाइक क्लिक कर देता, कोई भी मोबाइल में प्रोडक्ट में क्लिक कर देता, ठीक है। क्यों शो नहीं कराता मैं आपको बताता हूँ रीज़न। और नीचे ऑफ़र देख रहा है, इसका नीचे जो अवेलेबल ऑफ़र बहुत सारा दिखाई देगा आपको, क्रेडिट कार्ड, बैंकिंग, सेंकिंग, एक्सिस बैंक। तो इसे नीचे करने का, नीचे करने के टाइम एकदम नीचे जो रहता है इसमें नहीं है, देख रहा है आपको। आप लोग बोलता है ना शो नहीं कराता, क्यों नहीं कराता, इसका वजह इसका कारण है, ठीक है। इसमें एक पढ़ लेने का, बजाज फाइनेंस है क्या ऊपर से, ये बहुत सारा ऑफ़र चल रहा है, देखिए सारा बैंक का अवेलेबल है, लेकिन बजाज फाइनेंसर का मुझे नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। बजाज फाइनेंसर का मुझे उसमें नहीं दिखाई दे रहा, बजाज फाइनेंसर इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं आपको। इसका मतलब ये है, ये नहीं है शो कराता, ठीक है। बहुत सारा लोग बोलता है भाई, उसको अच्छे से समझ नहीं पाता है, कार्ड का कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता यार, बजाज फाइनेंसर का क्या प्रॉब्लम रहेगा, जो प्रोडक्ट में अवेलेबल रहेगा वही शो कराएगा ना। आप सोचते हैं कि क्रेडिट कार्ड है, ये क्रेडिट कार्ड नहीं है बाबा, बजाज फाइनेंसर EMI नेटवर्क कार्ड, इसके अंडर में जो जो चीज़ इन लोगों ने ऐड करके रखा वही शो कराएगा, ठीक है। ये मोबाइल अवेलेबल नहीं है और बाकी सारा मोबाइल अवेलेबल हो सकते शायद, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो इसका वजह से कारण वही है, आपको मैं अभी दिखाता हूँ, अभी मैं दिखाता हूँ मोबाइल में जाके बाय करके, अभी मैं दिखाता आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका वजह से आप लोग बोलते हैं कि क्यों भाई हम लोगों को क्यों शो नहीं कराता है, शो कराता है लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा कौन सा मोबाइल में है, कौन सा मोबाइल में नहीं, कौन सा मोबाइल लेना चाहिए यार। ऐसा नहीं तो आपका आईफोन दिला देगा, आईफोन में नहीं रहता है बजाज फाइनेंसर का। अगर आप लोग लिया हो तो मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करिए, ठीक है, कौन सा मॉडल लिया, ये सब नहीं देता, रियलमी ये सब वगैरह वगैरह रहता है, ठीक है। तो मैं क्लिक करता हूँ फिर से उसमें चला गया एक मिनट, तो मैं रियल मी में क्लिक करता हूँ, रियल मी में जैसे क्लिक करूँगा और रियल मी का सारा मॉडल इसमें आ जाएगा, और किसी में भी क्लिक करता हूँ। चलिए ये तो नया मॉडल है, नया आ रहा है, ये अभी तक लॉन्च नहीं हुआ, फ्लिपकार्ट का भी सारा चेंज हो चुका है। तो जैसे कि इसमें से मैं सर्च करूंगा, ठीक है, मोबाइल ही सर्च कर देता हूँ डायरेक्ट, उसमें बहुत सारा अपडेट आ गया, इसके खाली अपडेट आता रहता है। और वहाँ पर बजाज फाइनेंस लिख के भी आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। ये रियलमी, तो रियलमी में ये दिखाता हूँ, रियलमी का जो मोबाइल है ये 32 GB 3 GB रैम है, रियलमी C21, ठीक है। ये आर ये भी इसमें अवेलेबल ऑफ़र में जाने का, और ऑफ़र में जाके आपको नीचे एकदम जाने का, बजाज फाइनेंसर का नीचे रहता है, ये देखिए नो कॉस्ट EMI ऑफ़र, नो कॉस्ट EMI बजाज फाइनेंसर कार्ड वैल्यू, देख रहे हैं आपको बजाज फाइनेंसर का कार्ड आप ले सकते हैं इससे। इसको बोलते बहुत सारे लोग बोलते शो नहीं कराता है, ये देखना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों को, बहुत सारे लोग नहीं देखते। इसके बाद बाय नाउ पर क्लिक करेंगे, मैं दिखा देता आपको, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, जिसे कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद देखिए मेरे बजाज फाइनेंसर का ऑलरेडी ऐड है, मैंने मोबाइल बाय किया था और ऑलरेडी आ गया, देख रहे आपको ऑलरेडी आ गया। तो आपको वो सब देखने का नहीं, मैं नीचे जाने का EMI AC में जाके कंटिन्यू पर क्लिक करने का,
कंटिन्यू पर जैसे क्लिक करेंगे देखिए अब ऊपर में आ रहा है बजाज फाइनेंस सर, ये मैं इसमें क्लिक करने का, और इसमें क्लिक करने के बाद देखिए एक ही 3 मंथ का ईएमआई, ये जो मोबाइल लेंगे आप 3 मंथ में आपको देना पड़ेगा 3000 रुपये करके 1 मंथ में, ठीक है। ये 9000 का मोबाइल में 1 रुपया कम, ठीक है, 1 रुपया ज़्यादा लेगा आपसे, नो कॉस्ट ईएमआई कुछ भी नहीं है। तो देख रहे मेरा बजाज फाइनेंस सर ईएमआई कार्ड ऑलरेडी ऐड है, अगर आप लोग नया ऐड करना चाहता तो ऐड न्यू पर क्लिक करना है, और वहाँ पर कार्ड नंबर सीवीपी नंबर नहीं होता है, एक्सपायर डेट डालने का, कंटिन्यू करने का और बाय करने का, 2-3 दिन में आपका घर पे आ जाएगा। और भी बहुत सारा प्रोडक्ट दिखाता आपको, तो आप लोगों को देखना नहीं आता इसीलिए बोलता है, इसको अच्छे से समझना चाहिए, कार्ड इसलिए शो नहीं करता, ऐसा तो नहीं कार्ड आपका ब्लॉक है, ब्लॉक कार्ड आप इसमें देख रहे हैं, आपको खुद ही पता है जब आप ईएमआई लेने के टाइम आपको ऐप दे देता है। और रियलमी का बहुत सारा प्रोडक्ट आता है, आपको 5G भी आता है, ठीक है, 5G मोबाइल भी आता है इसमें बाय करने के लिए। जैसे कि मैं ये लैपटॉप देख रहे हैं, लैपटॉप में क्लिक करता हूँ, लैपटॉप भी ले सकते हैं आप, ये दिखाता है क्या पता नहीं, ये भी क्लिक कर देता हूँ, नीचे जाता हूँ मैं, वहाँ पर ये भी दिखा रहा है, देख रहे हैं आपको 54,000 का लैपटॉप है, नो कॉस्ट ईएमआई ऑफर बजाज फाइनेंस सर, देख रहे हैं आपको। तो ये सब देखने के बाद ही आपको जाके बाई बटन में क्लिक करने है, अभी जिसमें नहीं रहेगा बाई करेगा तो जाने के टाइम बोलेगा भाई हमारा ईएमआई कार्ड शो नहीं कराता है, कुछ भी चीज़ में क्लिक करेगा तो नहीं होगा ना, पहले देखना पड़ेगा आपको, ठीक है, इसका रीज़न वही है। और अगर कार्ड में प्रॉब्लम होता आप कस्टमर से बात कर सकते हैं, ठीक है, तो कंटिन्यू पर क्लिक करने का, कंटिन्यू पर जैसे क्लिक कर देंगे वो भी सेम ऐसे बजाज फाइनेंसर का कार्ड ऐड है मेरा, ऑटोमेटिक ले जाएगा, देख रहे हैं आपको। और मैं फिर से ईएमआई में जाऊंगा, कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा, जैसे क्लिक करूंगा देख रहे हैं सबसे फास्ट बजाज फाइनेंसर ईएमआई नेटवर्क कार्ड, इसमें क्लिक करने के बाद आपको देख रहे 6 मंथ 3 मंथ हमको दिखा रहा है, तो हम 6 मंथ पर क्लिक करते हैं, कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं, कोई चार्जेस नहीं है, और बैंक ऑफर उल्टा और 25% ने माइनस कर रही है, ठीक है। तो देख रहे हैं मैं ऊपर जो मैं कार्ड ऐड करके रखा हुई है, और जो तो नया कार्ड अगर किसी का कार्ड से ख़रीदना चाहते ऐड नहीं हो, बजाज फाइनेंसर कार्ड नीचे ऐड दिया हुआ है, और कार्ड नंबर एक्सपायर डेट डालेगा, कंटिन्यू पर करेगा, OTP आ जाएगा आपको, बजाज फाइनेंसर से आप डन करेंगे और बैंक से डिटेक्ट हो जाएगा पैसा और मोबाइल आ जाएगा, ठीक है, बैंक में पैसा रहना चाहिए, और नहीं रहेगा तो आपको बहुत ही प्रॉब्लम आ सकते हैं, ठीक है, बैंक में भी पैसा रहना चाहिए जो बैंक से बजाज फाइनेंसर कार्ड ऐड किया था। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यू अगर समझ में नहीं आया तो मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल होकर ज्वाइंट होकर मुझे कमेंट करके भी बात कर सकते क्या आप लोगों को प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, फ्लिपकार्ट में शो नहीं कराता लेकिन सारा प्रोडक्ट में अवेलेबल नहीं रहता, ठीक है, इसके कारण आप लोगों को कार्ड शो नहीं दिखाता है, आप लोगों को मालूम नहीं करके मतलब कौन सा प्रोडक्ट में अवेलेबल है, सारा प्रोडक्ट खोल के देख लीजिए, देखने के बाद नीचे से ऑफर में जाने के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा, इसका कारण वही है। तो बस इतना ही था, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए और लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, ताकि ऐसा वीडियो में हमेशा लेके आते रहते।